एक बार फिर सभी का मोबाइल मैथ में हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के अनुप्रयोग, और इससे पहले अपन ने उदाहरण नंबर 36 और 37 कर लिया है। आज की इस क्लास में अपन उदाहरण नंबर 38 और 39 करेंगे, उसके बाद अपन 8.6 जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको जैसे ही हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत करते हैं आज के उदाहरण नंबर 38 की, कि एक स्थिर आयतन वाले टैंक, खुला टैंक है, टैंक ऐसा है खुला है टैंक। सबसे पहले तो अपन टैंक बना लेते हैं, और टैंक का आधार कैसा है, वर्गाकार है। यदि इसका अंतः पृष्ठ न्यूनतम हो, यानी पृष्ठ का अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। टैंक की गहराई तथा लंबाई, इसका मतलब टैंक का जो आकार है वो कैसा है, घनाभाकार है, ठीक है। टैंक का आकार कैसा है, घनाभ जैसा है। लेकिन ये जो टैंक का जो आधार है, टैंक का आधार वो कैसा है, एक वर्ग जैसा है। तो टैंक की ये लंबाई होती, ये लंबाई हो गई, और ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को बी से लिखेंगे, और ये उसकी ऊंचाई, अच्छा जिसको यहाँ पे गहराई लग से अपन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई, और यदि ये आधार वाला, ये जो आधार है टैंक का आधार, अपने को क्या बता रखा है, वर्ग बता रखा है, वर्ग बता रखा, और वर्ग में चारों ऊंचाई क्या होती है, बराबर। तो इसका मतलब जितनी चौड़ाई है, जितनी लंबाई है, उतनी उसकी क्या होगी, चौड़ाई। तो बी बराबर भी क्या होगा, यहाँ से एल होगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब इसमें क्या प्रूव करना है अपने को, कि यदि अंतः पृष्ठ न्यूनतम हो, तो एक नंबर तो सिद्ध करना है कि टैंक का अंतःपृष्ठ के अंदर अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। टैंक का अंतःपृष्ठ क्या है, न्यूनतम, यानी मान क्या आना चाहिए उसका, निम्निष्ठ आना चाहिए। दूसरा अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, गहराई h और लंबाई l का अनुपात अपने को निकालना है, h बटा l अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों बात अपने को ज्ञात करनी है, पहला तो ये प्रूव करना है, दूसरा ज्ञात करना है। और इसके लिए अपन आयतन का भी सारा लेंगे, आयतन, तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन v बराबर, घनाभ का आयतन v बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर v बराबर l गुणा b का मान भी कितना, l इंटू में क्या आएगा, अच्छा तो v बराबर कितना आ जाएगा, l की घात 3 आ गया, तो v का मान आ गया l क्यूब h। अब न्यूनतम क्या होना चाहिए, अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। तो s बराबर, पृष्ठ को अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे लिख लेते हैं अपन, a से। और ये जो टैंक है ना, टैंक उसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला है ही नहीं, खुला है ये, ठीक है। तो कितने पृष्ठ और बच गए इसके, 5 पृष्ठ और बच गए, कितने पृष्ठ बच गए, 5, जिसमें एक पृष्ठ तो ये नीचे वाला बच गया, जो कि वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर है, तो भुजा कितनी यहाँ पे एल है, तो इसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया, नीचे वाले पृष्ठ का एल स्क्वायर हो गया। उसके बाद में कितने पृष्ठ और बच गए, 4 पृष्ठ बच गए, सारे 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में, लेकिन ऊपर वाला टैंक का ऊपर वाला पार्ट खुला है, तो इसका मतलब एक पार्ट तो है ही नहीं, पृष्ठ कितने बचे, 5, जिसमें नीचे वाला ये जो वाला पार्ट है, ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर हो गया। अब 4 पृष्ठ बच गए, 1 इसके सामने वाला, 2 एक, ये 3 इसके सामने वाला, 4, उनका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो आयत, चारों पृष्ठ के आयताकार होंगे, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 है, इसका मतलब 4 आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इसमें क्या हो जाएगी, लंबाई इसके एल हो जाएगी, और ये जो अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 4L, अच्छा। तो इन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला, इसके सामने वाला, ये 2, एक ये वाला इसके सामने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 हो जाएंगे, ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, तो ये भी क्या होगी, लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल हो जाएगी, क्योंकि ये एल है, तो ये भी क्या है, एल, ये ऊंचाई अच्छा ही सभी में, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, बाकी चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयताकार हैं चारों के पृष्ठ, ये वाला एक ही वर्गाकार था, तो इसका तो एल स्क्वायर हो गया, यानी भुजा स्क्वायर से, बाकी आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो यहाँ पे एल, और चौड़ाई एच, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, ये लंबाई होगी और ये हो गया ऐसे, ये वाला पृष्ठ जिसमें एल और एच है, दोनों लंबाई एल है और चौड़ाई एच, ऐसे इस पृष्ठ में अपन देखें तो एल और क्या है, अच्छा है, ऐसे इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अच्छा, ऐसे ही आगे वाले पृष्ठ में
ये तो एल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा एच। तो इस प्रकार से चारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार हैं तो इसका मतलब चार गुणा एल इंटू क्या हो जाएगा एच, तो यह आ जाएगा फोर एल एच। ठीक है, तो जो टैंक है टैंक का क्षेत्रफल कितना आ गया एल स्क्वेयर प्लस में क्या आ गया फोर एल एच आ गया। अब ए बराबर में अपन और क्या लिख सकते हैं यहाँ से एल स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए एक एल आ गया और एक आ गया एच, इन दोनों में से अपने को एक को ही रखना है तो फोर एल, एल तो है ही एच का मान यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से अगर मैं एच का मान लिखूँगा तो एच बराबर में क्या आएगा यहाँ से एच बराबर में आएगा ये गुणा में एच के, तो ये आ जाएगा भाग में इधर वी के, तो ये आ जाएगा वी बट्टा एल क्यूब। तो एच का मान क्या निकाल लिया अपने समीकरण एक से, एच बराबर निकाल लिया वी बट्टा में ये आएगा एल क्यूब, तो एल स्क्वेयर प्लस, अच्छा अपन यहाँ पे लिख रहे थे मान, तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं फोर एल इंटू एच, एच का मान क्या लिख लिया वी बट्टे में क्या लिखेंगे इसके एल क्यूब, तो एल स्क्वेयर का एल स्क्वेयर फोर एल इंटू एच का मान समीकरण में एक से लिख लिया अपन ने वी बट्टा में एल क्यूब, वी बट्टे में एल क्यूब, एल से ये एल क्यूब घटेगा तो यहाँ पे बचेगा एल स्क्वेयर। तो एरिया ए बराबर क्या आ गया एल स्क्वेयर प्लस में कितना आ गया ये यहाँ पे फोर फोर वी बट्टे में फोर वी बट्टे में एल स्क्वेयर, ये ए आ गया। ठीक है, यानी टैंक का क्षेत्रफल ये निकल गया अभी। अब अपने उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ यानी अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए तीन स्टेप होते हैं, इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद में अपन अपने वाले जो मेन स्टेप थे जब सबसे पहले जो अपने समझे हैं वो ही तीन स्टेप चल रहे हैं। पहला स्टेप अपने क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा एल के सापेक्ष, वी तो आयतन है यहाँ पर तो नियत है। ठीक है, तो वी का ए का एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन में क्या आएगा डी एल, एल स्क्वेयर का अवकलन करेंगे क्या आएगा टू एल, फोर वी तो यहाँ पर अचर है एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर का अवकलन एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर कितनी हो जाएगी माइनस टू। देखिए देखिए थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि एल इंटू एल था यहाँ पे, एल इंटू एल का मतलब होता है एल स्क्वेयर, एल इंटू एल का मतलब क्या होता है एल स्क्वेयर, तो यहाँ पे एल स्क्वेयर है ना कि एल क्यूब, तो ये भी क्या होगा एल स्क्वेयर होगा, और ये भी क्या होगा यहाँ पे मान लिखेंगे एच का मान तो वी बट्टा एल स्क्वेयर होगा, यहाँ पे इस एल से एल स्क्वेयर कटेगा तो एल की पावर वन बचेगी तो यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, तो एल की पावर माइनस वन का अपने को अवकलन करना है, तो एल की पावर माइनस वन का एक्स की पावर एन वाले से करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है तो यह आ जाएगा माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस वन एक्स की पावर कितनी होती है माइनस टू, तो यहाँ पर इसका अवकलन कितना हो जाएगा एल की पावर वन है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, तो यह आ जाएगा माइनस वन एल की पावर आएगी माइनस टू, ये अपन ने इसका अवकलन कर लिया तो ये टोटल कितना आ गया टू एल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये सॉरी ये भी प्लस का ही था तो ये माइनस का आएगा, यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा अपने पास में फोर वी, फोर वी अपॉन में क्या आएगा फोर वी अपॉन में आ जाएगा एल स्क्वेयर, माइनस की है नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये डी ए अपॉन में डी एल निकल गया टू एल अपॉन टू एल माइनस फोर वी अपॉन में क्या आ गया एल स्क्वेयर। ठीक है, अब अपना दूसरा स्टेप होता है कि डी ए अपॉन में डी एल बराबर क्या लिखेंगे जीरो, जिससे कि मान निकलेगा एल का बराबर में जीरो लिख लेते हैं तो टू एल माइनस फोर वी अपॉन में एल स्क्वेयर बराबर क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ से टू एल बराबर क्या आएगा अपना जीरो आएगा, टू एल बराबर क्या आएगा माइनस का इधर है तो प्लस इधर जाएगा तो फोर वी अपॉन में क्या आ जाएगा एल स्क्वेयर, फोर वी अपॉन में एल स्क्वेयर। ठीक है, तो टू टू जा क्या हो जाएगा फोर कट जाएगा इससे, तो अब वज्र गुणा कर लेंगे तो एल का एल स्क्वेयर से करेंगे तो ये एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब बराबर एल का एल स्क्वेयर से करेंगे एल क्यूब बराबर में क्या आएगा टू वी, तो एल क्यूब बराबर में कितना आ गया टू वी आ गया, तो एल का मान क्या आ जाएगा यहाँ से टू वी का निकल जाएगा क्यूब रूट, क्यूब इधर जाएगी इधर जाके क्या बन जाएगी क्यूब रूट। ठीक है, तो एल का मान कितना आ गया टू वी क्यूब रूट आ गया। ठीक है, यानी टू वी की पावर वन बाई थ्री, ये एल का मान निकाल लिया, दो स्टेप हो गए कम्प्लीट। तीसरा स्टेप अपन होता था कि एक बार पुनः अवकलन करते हैं अपन, डी ए अपॉन में डी एल तो है इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं तो डी स्क्वेयर ए अपॉन में क्या आ जाएगा डी एल टू आ जाएगा, डी टू ए अपॉन में डी एल टू निकाल लेंगे तो एल के सापेक्ष ही अवकलन हो रहा है, टू एल का अवकलन तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब ये माइनस है फोर वी, माइनस फोर वी ये एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एल माइनस टू, इसी सूत्र से दोबारा हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू एल माइनस टू माइनस वन, तो ये कितना आ गया माइनस टू एल माइनस थ्री आ गया, और तो इसका अवकलन लिख लिया अपन ने माइनस टू एल माइनस में थ्री,
तो डी टू ए अपॉन में डी एल टू कितना निकल गया यहाँ से, टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो चार का दो से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आठ वी, आठ वी बट्टा एल माइनस थ्री, नीचे आते क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो आठ वी बट्टे में क्या आ गया एल थ्री, तो ये अपना मान निकल गया। अब अपन किस पॉइंट पे चेक करेंगे एल पे, कि एल पर डी टू ए अपॉन में डी एल टू का मान बड़ा है या छोटा है जीरो से, तो एल बराबर टू वी का क्यूब रूट पर डी टू ए अपॉन में डी एल टू का मान क्या आएगा, तो डी टू ए अपॉन में डी एल टू का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, दो प्लस आठ वी, आठ वी का आठ वी बट्टा, बट्टे में है अपने पास में एल क्यूब, आठ वी बटा एल क्यूब है, तो एल क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एल की जगह टू वी क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो एल क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन एल क्यूब का मान निकाल रखा है, तो एल क्यूब की जगह लिख लेंगे अपन टू वी, एल क्यूब की जगह अपन क्या लिख लेंगे टू वी, ठीक है, टू टू जा हो जाएगा फोर, वी से वी कैंसल, तो डी टू ए अपोन में, डी टू ए अपोन में कितना आ गया डी एल टू आ गया, दो और चार कितना हो गया छः, और छः का मान बड़ा किससे होता है जीरो से, जीरो से बड़ा है, अतः जीरो से बड़ा, तो अगर दोबारा अपन ने अवकलन किया, अगर जीरो से बड़ा है ये मान तब तो क्या होगा न्यूनतम होता है मान, और जीरो से छोटा होता है तब क्या होता है अधिकतम, तो अतः एल बराबर टू वी वन बाई थ्री पर, वन बाई थ्री पर अंतःप्रष्ठ, अपने को क्या प्रूव करना था अंतःप्रष्ठ क्या होना चाहिए न्यूनतम, तो अंतःप्रष्ठ क्या है न्यूनतम है, अंतःप्रष्ठ क्या है न्यूनतम है, तो पहला वाला पॉइंट तो अपना सिद्ध हो गया न्यूनतम वाला। अब अनुपात निकालना अपने को अच बट्टा एल का, तो अच बट्टा एल का अनुपात अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं अभी सेकेंड इसका स्टेप जो है, तो पहला तो कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन ये वाला न्यूनतम का, तो अब ये वाला प्रूव करना है अच बट्टा एल निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए अपन समीकरण नंबर एक की सहायता लेते हैं, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक अपने पास में क्या थी, ये थी कि v बराबर एल स्क्वेयर एच, ठीक है, अब यहाँ से h बराबर अपन ने क्या निकाल लिया था, h बराबर निकाल लिया था यहाँ से v बट्टा एल स्क्वेयर निकाल लिया था, v बट्टा एल स्क्वेयर, तो v बट्टा एल स्क्वेयर, अब अपने पास में l का मान है, l का मान कितना है 2v का क्यूब रूट है, अब अगर मैं जैसे यहाँ पे स्क्वेयर कर दूँ एल स्क्वेयर, तो 2v 1 बाई थ्री, इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वेयर, यानी दोनों साइड होगा स्क्वेयर होगा, तो एल स्क्वेयर का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 2v, ये m इंटू n हो जाएगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बाई थ्री आ जाएगा, तो एल स्क्वेयर का मान कितना आ गया 2v की पावर 2 बाई थ्री, एल स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2v की पावर कितना लिख सकता हूँ 2 बाई थ्री, तो एल स्क्वेयर की जगह अपन ने क्या लिख लिया 2v की पावर 2 बाई थ्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो 2v है और यहाँ पर सीधा ही v है, तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, ये जैसे 2v है तो इधर भी अपन 2v बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया और इधर 2 से ही क्या दे दूंगा इसमें भाग, समझ में आ गया, तो ये तो v था अपन ने पास में, लेकिन v को 2v बना लिया, इस v को क्या बनाना है 2v, तो 2 से ही गुणा कर लिया और 2 से ही भाग दे लिया, तो ये आ गया 1 बटा 2, तो ये है ही, और ये 2v बन गया, 2v की घात कितनी है 1, और यहाँ पर 2v की घात कितनी है 2 बटा 3, तो ऊपर वाला 2v और घात 1, नीचे वाला 2v घात ऊपर जाएगी माइनस 2 बटा 3 हो जाएगी, प्लस से क्या हो जाएगी माइनस में, तो h बराबर कितना आ गया 1 बटा 2, दोनों का आधार बराबर है तो घातें प्लस माइनस होती हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 2 बटा कितना होगा 3, 3 लघुत्तम आने के बाद में h का मान क्या आ जाएगा 1 बटा 2, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 3 माइनस 2, ये 3 लघुत्तम लेंगे 3 आएगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 तो ये आ जाएगा अपने पास में, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बटा 3, तो यहाँ से 2v की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2v की घात आ जाएगी अपने पास में 1 बटा 3, तो इसको सल करेंगे तो 2v की घात 1 बटा 3 बचेगा, तो h बराबर 1 बटा 2 और 2v की घात 1 बटा 3, 2v की घात 1 बटा 3 को अपन क्या लिख सकते हैं l लिख सकते हैं, तो h बराबर 1 बटा 2, 2v की घात 1 बटा 3 को मैंने लिख लिया यहाँ पे इंटू l से, ठीक है, तो h बट्टा l, ये गुणा में है l 1 बटा 2 के, तो इधर आएगा तो भाग में, तो h बट्टा l का मान कितना आ गया, इधर बचा 1 बटा 2, तो अनुपात क्या आ गया h और l का, h और l का अनुपात आ गया 1:2, यही अपने को निकालना था, ठीक है। तो उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के क्वेश्चन अपन जो हैं वो कर लिए थे, लेकिन अभी इसके अनुप्रयोग चल रहे हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष हार्ड नहीं होता, तो इसमें अपने को सबसे पहले जो लैंग्वेज दे रखी है उसको समझते हुए ये जो फलन वगैरह है वो अपन निकाल लेते हैं, बाकी तीनों स्टेप वैसे ही चलते हैं और
एक इसके साथ में अपने को अनुपात का पूछ रखा था, तो अनुपात भी अपन ने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 39 इसका लास्ट उदाहरण है। उसके बाद अपना उदाहरण नंबर 39 लास्ट उदाहरण है कि एक निर्माता है 5 - x/100 रुपये प्रति इकाई की दर से, यानी एक इकाई को बना रहा है ना, और एक इकाई को किस दर से बेच रहा है, 5 - x/100 की दर से एक्स इकाइयाँ बेच सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है कि एक इकाई का मूल्य, एक इकाई का मूल्य कितना है, एक इकाई का बेच सकता है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो एक इकाई का विक्रय मूल्य, एक इकाई का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को, 5 - x/100 दे रखा है, 5 - x/100 रुपये दे रखा है। एक इकाई का मूल्य कितना है, 5 - x/100। कितनी इकाइयाँ बेचनी है, एक्स इकाइयाँ। तो एक्स इकाइयों का मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स इकाइयों का मूल्य कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। तो एक्स इकाइयों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक का 5 - x/100 है, तो 5 - x/100 गुणा क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये कौन सी इकाइयों का हो गया, एक्स इकाइयों का विक्रय मूल्य हो गया, जिनका गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, एक्स से करेंगे 5 का, और फिर एक्स का एक्स से करेंगे तो आ जाएगा 1x2/100। ये एक्स इकाइयों का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने को दे रखा है कि एक्स इकाइयों का उत्पाद मूल्य, यानी जो इकाइयाँ बेच रहा है ना, उतनी उसने खरीदी है, और उनका उत्पादन मूल्य यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना है, यहाँ पे उत्पाद मूल्य, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, यानी एक्स इकाइयों का खर्चा जो है, या उसके उत्पादन का जो खर्चा है, यानी जो क्रय मूल्य है, वो कितना है, 1x/5, और प्लस में कितना है, 500। ये टोटल इसका खर्चा हो गया, ठीक है, या इसका क्रय मूल्य अपन मान सकते हैं। अब इकाइयों का वह संख्या ज्ञात करो जो निर्माता को अधिकतम लाभ अर्जित हो, इसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, अधिकतम क्या होना चाहिए, लाभ। तो लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो लाभ बराबर, लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और उत्पाद मूल्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी उत्पाद मूल्य या फिर क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। तो लाभ को अपन यहाँ पे समझने के लिए एक बार पीसी लिख लेते हैं, और विक्रय मूल्य अपना कितना निकला है, विक्रय मूल्य निकला है अपना 5x - x^2/100 निकला है, 5x - x^2/100 माइनस उत्पाद मूल्य ये वाला है, माइनस है x/5 + 500, ये पूरा लिख लिया अपन ने। अब P बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 5x - x^2/100 - x/5, और ये भी माइनस का कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। अब अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए अपने को क्या सिद्ध करना होता है, तीन बातें अपनी चलती है। सबसे पहले अवकलन करते हैं, फिर जो अवकलन किया उसके बराबर जीरो लिखते हैं, फिर अपन दोबारा अवकलन करते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो अपने पास में ये मान लो एक फलन आ गया, इसका पहले तो क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। तो पहला स्टेप अपना क्या रहता है कि अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, इधर एक्स है तो एक्स के सापेक्ष ही अवकलन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अवकलन कर लेते हैं अपन। तो अवकलन करेंगे पी का एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, dp/dx आ जाएगा, और 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा, -x² का अवकलन करेंगे 2x आ जाएगा, बट्टे में कितना है, 100, और -x का अवकलन करेंगे 1/5, -500 का अवकलन कितना हो गया, 0। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है अपना कि dp/dx बराबर अपने को लिखना होता है 0, जिससे कि मान किसका निकलता है, x का। तो 5 - 2x - 100 - 1/5 इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 0, जिससे मान किसका निकल जाएगा अपने पास में, x का, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, x का मान निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का, इधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2x/100 तो प्लस का हो गया, इस साइड में ये बचा हुआ है जिसका लघुत्तम ले लेंगे अपन 5, लघुत्तम क्या आ जाएगा, 5 का इधर 5 से गुणा करेंगे, 25 - 1, लघुत्तम लेके मैंने इसको क्या कर लिया, सरल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 24/5 बचेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 24/5 × 100/2, ये 2/100 इधर जाएगा, 100/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 × 5 = 100, और ये आ जाएगा यहाँ से 12 × 2 = 24, तो ये आ जाएगा x का मान 240। तो x का मान कितना आ गया, 240 आ गया, x का मान कितना आ गया, 240, यानी x कितना आ गया, 240 इकाइयाँ आ गई अपने पास में, ठीक है। अब दूसरा, पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेप अपन क्या होता है कि एक बार पुनः अवकलन करते हैं। तो dp/dx सही, अब d2p/ में क्या निकालेंगे, dx2 निकालेंगे, 5 का अवकलन क्या हो गया, 0, -2x/100 है तो 2/100 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, -1/5 का 0। तो मान कितना आ गया अपने पास में, अपने पास में मान आ गया
डी टू पी अपॉन में डी एक्स टू का मान आ गया 2/100 को, तो ये आ जाएगा 50, तो ये आ गया -1/50, जो कि छोटा किससे है, 0 से। तो -1/50 आ गया और मान ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होते ही अतः किस पर है ये मान, x बराबर 240 पर डी टू पी अपॉन में डी एक्स टू का मान किससे छोटा है, 0 से छोटा है, अतः x बराबर 240 पर, x बराबर 240 पर निर्माता जो है, निर्माता अधिकतम लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो अपने उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के अनुप्रयोग के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद अपन प्रश्नमाला 8.6 करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, लाइक बटन दबाना ही दबाना आपको, उसके बाद शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।